हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे बरबरी कैसे बने खाटू श्याम जी। श्री खाटू श्याम जी का सुप्रसिद्ध मंदिर जो भारत के राजस्थान में सीकर जिले में है, तो आइए हम उनके जन्म और जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे यह निश्चित जान पड़ रहा था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन श्री कृष्ण पांडव के पक्ष में होते जीत पांडवों की ही होगी। बरबरी घटोत्कच और नागकन्या मौर्वी के पुत्र थे। पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा बरबरी की दादा दादी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बरबरी के बाल बब्बर शेर के समान थे, इसलिए उनका नाम बरबरीक रखा गया। बरबरीक अपने बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बरबरीक ने अपनी युद्ध कला भगवान श्री कृष्ण और अपनी माँ मौर्वी से प्राप्त की थी। युद्ध कला में कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त कर ली थी। बरबरीक भगवान शिव के परम भक्त थे तथा उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बरबरीक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारण बरबरीक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध है। जब महाभारत का युद्ध होने की सूचना बरबरीक को मिली, तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बरबरीक अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए गए, तो उनकी माँ ने उनसे पूछा कि वह युद्ध में किसकी तरफ से लड़ेंगे, और तब बरबरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उनकी ओर से लड़ेगा, और वह हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा यह बात प्रसिद्ध हुई। भगवान श्री कृष्ण को जब बरबरीक की योजना का पता चला, तब वह ब्राह्मण का वेश धारण कर बरबरीक के मार्ग में आ गए। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बरबरीक का मजाक उड़ाते हुए प्रश्न किया कि वह मात्र 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने जा रहा है, मात्र 3 बाण से भला कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है। तब बरबरीक ने ब्राह्मण बने श्री कृष्ण से कहा कि उनका ये एक ही बाण शत्रु की सेना को समाप्त करने में सक्षम है, और इसके बाद भी वह तीर नष्ट होकर उनके पास आ जाएगा, अतः उनके तीनों तीर के उपयोग से तो पूर्ण संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। इस पर श्री कृष्ण ने बरबरीक से कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, वह उस पेड़ के सारे पत्ते को भेद कर दिखाए। बरबरीक ने यह चुनौती स्वीकार करके भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया। पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। उसके बाद ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था। तब ये देख बरबरीक समझ गए कि तीर उस पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बरबरीक ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, आप अपना पैर हटा लो, नहीं तो यह तीर आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण बरबरीक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बरबरीक, तुम किस पक्ष की तरफ से युद्ध करोगे? बरबरीक बोले, उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण यह सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि बरबरीक के इस वचन के बारे में कौरव नहीं जानते थे। कौरव ने यह योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे, जिसके कारण वह युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बरबरीक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बरबरीक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे, तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बरबरीक से दान की इच्छा प्रकट की। बरबरीक ने दान देने का वचन दिया। अब ब्राह्मण ने बरबरीक से कहा कि उसे दान में बरबरीक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बरबरीक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बरबरीक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन के अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हों। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कृष्ण हैं। यह सच जानने के बाद बरबरीक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहता है तथा महाभारत युद्ध का शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहता है। भगवान ने बरबरीक की इच्छा पूरी की। सुदर्शन चक्र से बरबरीक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया। यहाँ से बरबरीक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए, और युद्ध के समाप्त होने के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बरबरीक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं,
अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने उन्हीं से जानना चाहिए। तब बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध का विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ श्री कृष्ण की युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बर्बरिक के इस वचन से देवताओं ने बर्बरिक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरिक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आप आज से ही मेरे ही नाम श्याम से प्रसिद्ध होंगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार के रूप में पूजे जाएंगे। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम सब देखते हैं कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बाबा श्याम अपने वचन अनुसार हारे का सहारा बनते हैं, इसलिए जो सारी दुनिया से हारा सताया गया होता है वो भी अगर सच्चे मन से बाबा श्याम के नाम को सच्चे मन से नाम ले और स्मरण करे तो उसका कल्याण अवश्य होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हमारा ये चैनल।